तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबसे की पॉइंट्स पे। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल आइडिया, जो कि है डस्ट ऑफ स्नो पोएम की। और ये 10th क्लास का पहला पोएम है जिसका हम सेंट्रल आइडिया लिखवाने जा रहे हैं। उसी तरह हम सारे चैप्टर्स की सेंट्रल आइडिया करवाएंगे। तो आप लोगों को सारे चैप्टर्स की सेंट्रल आइडिया चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो, इनकी जो डस्ट ऑफ स्नो है इज़ अ स्मॉल पोएम, ये एक बहुत छोटी पोएम है, कंपोज्ड बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिकन फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। क्या लिखा हुआ है, द पोएट यानी कि जो पोएट था वो स्टैंडिंग खड़ा था कहाँ पर, अंडर नीचे द हेमलॉक ट्री यानी कि बलूत के पेड़ के पास, है ना। सडनली अचानक स्नो फॉल्स ऑन द पोएट, अचानक से बर्फ जो था उस पोएट पर गिर जाता है। ड्यू टू सम मोमेंट, कुछ हलचलों के कारण, अक्रो कुछ कौवे के हलचल हुई उससे, उस पर बर्फ जो है गिर जाती है। बट दिस ऑर्डनरी नेचर हैपनिंग्स ब्रिंग अ चेंज इन हिज मूड, लेकिन इस ऑर्डनरी यानी अचानक हुए इस नेचुरल हैपनिंग्स यानी घटना ने प्राकृतिक उसके मूड को था चेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। इट ग्लैड्स, उसे खुशी मिली, हिज हर्ट एंड रियलाइज दैट फीलिंग ऑफ स्नो मेक्स हिम सेव द डे। मतलब जो इट ग्लैड्स से खुशी मिली उसके हृदय को, एंड ही रियलाइज और उसे महसूस हुआ दैट फीलिंग ऑफ स्नो मेक्स हिम सेव द डे, यानी कि इस मतलब फीलिंग से उसका जो है दिन वो बन गया। द पोएम यानी कि जो पोएम है, कविता है, ये प्रेजेंट यानी ऐसा महसूस कराती है अ मोमेंट दैट इज़ वेरी सिंपल। इस कविता का जो मोमेंट था प्रेजेंट वो सिंपल था, बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मतलब कि वो क्या बोलते हैं, चिन्हदायक था, मतलब स्पर्शी था, मर्म स्पर्शी, हृदय को छू जाने वाला था ना। चलिए ठीक है, आज के इस पोएम के लिए इतना ही, सॉरी सेंट्रल आइडिया के लिए इतना ही, और उसके बाद अगले पोएम में फिर मिलते हैं हम लोग।